वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 4 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज का। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि जो IEE है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसने RTM को लॉन्च कर दिया है। RTM क्या है? रियल टाइम मार्केट। अब ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी और पावर मार्केट रहेगी, मतलब कि इसके अंदर अगर किसी को 1 घंटे बाद बिजली चाहिए तो अगर वो अभी ऑर्डर प्लेस कर रहा है अपनी बिजली के बिजली लेने के लिए, तो उसको 1 घंटे बाद वो उपलब्ध करा दी जाएगी। इसीलिए इसको बोला है रियल टाइम मार्केट। ठीक है, तो RTM नाम से ये लॉन्च किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। अब IEE की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर, और एस्टेब्लिश स्थापित किया गया इसको 2008 के अंदर, और इसके MD CEO कौन है? राजीव श्रीवास्तव जी। और ऊर्जा मंत्री हमारे जो मिनिस्टर पावर मिनिस्टर हैं वो कौन है? RK सिंह, क्योंकि ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है इसको, तो पावर मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाती है। RK सिंह जी पावर मिनिस्टर है हमारे, ये बिहार से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है स्वास्थ्य मित्रा के नाम से। इस स्वास्थ्य मित्र जो प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या होगा कि हर ब्लॉक के अंदर स्वास्थ्य मित्र है जो अपॉइंट किए जाएंगे, जिनकी आयु है जो वो 40 वर्ष से अधिक होगी। तो 40 वर्ष से अधिक जो हेल्दी पर्सन है उनको स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से। और इनका काम क्या होगा? जो ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है उसको रोकना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना। ठीक है, तो इसी मोटिव से इसको चलाया गया है। और ये जो स्कीम है या ये प्रोग्राम है, ये किस कैंपेन के अंडर लॉन्च किया गया है? इसको निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्र नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब देखिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड बात आई है तो हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो ठीक है। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रघु शर्मा जी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और राजस्थान सरकार की बात आई है तो इस टाइम अशोक गहलोत जी की सरकार है वहां पे, और सचिन पायलट जी क्या है? हमारे डिप्टी CM है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जयपुर क्या है? कैपिटल है राजस्थान की। और कलराज मिश्रा जी गवर्नर है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जो भी है इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड उसको साथ साथ करते जाइए, एक तो आसान हो जाता है वो, दूसरा लिंक करके याद करने की चीजें और भी अच्छी लगती है, इजिली रिमेम्बर हो जाती है, एग्जाम में क्लिक होती है वो। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी पंजाब से। पंजाब ने मंथ लॉन्ग ड्राइव अगेंस्ट कोरोना वायरस को लॉन्च किया है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1 महीने की लंबी ड्राइव को लॉन्च किया गया है। इसको मिशन फतेह जो पंजाब में लॉन्च किया गया है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा? कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो इसके इन सब चीज़ों के लिए कैंपेन है जो लॉन्च की गई है। पंजाब की बात आई है, पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? कौन है? VP सिंह बदनौर जी। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को 812 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ और मेघालय को भी ऐसा ही आवंटन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को कितना किया गया था? 445 करोड़ का। मेघालय को कितना किया गया? 175 करोड़ का। अब ओडिशा को किया गया है 812 करोड़ का और अरुणाचल प्रदेश को किया गया है 255 करोड़ का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी आवंटन हो रहे हैं 2020-21 के लिए हो रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिए अपने। ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी, गवर्नर गणेशी लाल जी और कैपिटल भुवनेश्वर है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो कैपिटल ईटानगर, CM पेमा खांडू और गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। और इसी के साथ जो जल जीवन मिशन के हमारे मतलब जल शक्ति मंत्रालय जो हमारा, उसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये कहाँ से सांसद है? जोधपुर राजस्थान से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी दिल्ली से। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है दिल्ली में, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है। ये ऐप क्या बताएगी आपको कि दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें कितने जो बेड्स हैं वो वेकेंट हैं। तो हॉस्पिटल बेड्स के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि कितने बेड कौन से हॉस्पिटल के अंदर वेकेंट हैं। तो इसको 2 बार दिन में अपडेट किया जाएगा, एक तो सुबह 10 बजे, एक शाम को 6 बजे। और इसको आप ऐप के जरिए या फिर www.dillyfightscorona.in के जरिए भी
देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इस बात के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों को बताया था। और इसके अलावा दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, अनिल बैजल जी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस टू अमृतसर। अब जो हमारे रूरल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाया जाएगा अमृतसर तक। ये कहाँ से बनेगा, नकोदर टू अमृतसर। अब ये नकोदर टू अमृतसर बनेगा और सुल्तानपुर लोधी होते हुए जाएगा, ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होगा। तो इसको बनाने का अनाउंसमेंट की है हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। और नितिन गडकरी जी कहाँ से सांसद है, नागपुर महाराष्ट्र से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी कि जो ले डिस्ट्रिक्ट है उनके जो डिप्टी कमिश्नर है सचिन कुमार जी, उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है। और ये 3 मेंबर कमेटी इस बात की इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी कि जो COVID-19 के कारण के पॉजिटिव केसेस के कारण जो लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडी के साथ कैसे डील किया गया, कैसे उनको और जो चूक हुई उनको बॉडी को डील करने के में जो काफी न्यूज में रहा, तो क्या क्या चीजों की दिक्कतें आई हैं वहाँ पे, तो उसको ही इंक्वायरी के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है ले के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार जी की तरफ से। और जो लद्दाख ले है, ले लद्दाख, इसके अभी लद्दाख आपको पता है यूटी बन चुका है, तो इसके अंदर ले और लद्दाख दो डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है, राधा कृष्ण माथुर जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जैसे ले में हुआ ऐसा ही जम्मू के अंदर भी हुआ। जम्मू के जो डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान जी, इन्होंने भी एक जो ऐप है वो लॉन्च की है, जिसके थ्रू क्या होगा कि सारे पैसेंजर्स हैं जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और क्या उनकी डिटेल्स हैं वो सारी उसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, और उनका कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये उन तक पहुंचा दिया जाएगा इसी के थ्रू। इसे जो भी ये डाटा रहेगा उनके पास उसके थ्रू जो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी कि कोविड का उनका जो रिजल्ट वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो ऐसे जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान जी का कहना है। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात आई है, इसके लेफ्टिनेंट कमांडर अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी उबर ने टाई अप किया है DIAL, GHIAL एंड BIAL के साथ। अब ये क्या है, DIAL क्या है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, GHIAL है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और BIAL है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो इन्होंने आपस में मिल के एक डील साइन की है जिसके अंदर उबर जीरो कॉन्टैक्ट राइड्स उपलब्ध करवाएगा लोगों को। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो डिसइंफेक्ट करने के लिए गाड़ियों को कोई भी राइड से पहले या राइड के बाद यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर। और साथ ही साथ उबर ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो भी राइड लेगा उसको उससे कम कॉन्टैक्ट ना किया जाए, कॉन्टैक्टलेस जो राइड्स है वो प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए ही इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है। अब बात आई है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, केम्पोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है वो रिलीज हुई है, तो उसके अंदर जो एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज हुई है उसके अंदर टॉप 100 में भारत की 8 प्रमुख यूनिवर्सिटीज रही हैं। तो टॉप 100 जो एशिया यूनिवर्सिटी हैं उसमें 8 भारतीय रही हैं, इस बार ये नंबर बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल रैंक है वो कम हुए हैं। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है जो, उसका रैंक घटकर 36th हो गया है अब। और सिमिलर IIT रूपपुर ने पहली बार टॉप 100 में स्थान हासिल किया, और ये स्थान कौन सा, टॉप 50 में डायरेक्ट 47th। तो डेब्यू किया है IIT रूपपुर ने और सीधा टॉप 50 में आ गई है, 47th रैंक आ रहा है। तो
तो ध्यान रखिएगा टोटल 8 यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें आईआईटी बेंगलुरु ने टॉप किया है इंडियन में, जिसका रैंक 36th ओवरऑल ग्लोब के अंदर। प्रायोरिटी रोपड़ जिसने डेब्यू किया उसका रैंक है 47, डेब्यू किया है इसलिए मैंने रखा है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पहले जो इंडिया है वो इंडिया ओवरऑल पूरे जो रैंकिंग आई है इसमें थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया है। अब इसका थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा बार जिसका जो उनसे कंट्री का नाम आया है उसमें तीसरे स्थान पे है भारत। और ओवरऑल जो एशिया है उसमें टॉप किया है चाइना ने, तो सेंगहू यूनिवर्सिटी चाइना की ने टॉप किया है ओवरऑल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी इंटरनेशनल सेक्शन से। इसमें यह है कि फेसबुक ने सारेगामा उनके साथ टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है। इसके अंदर तो क्या होगा कि अब म्यूजिक ऐड किया जा सकेगा फेसबुक के ऊपर। तो आप अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हो या कोई वीडियो है या कुछ भी है उसके आप बैकग्राउंड पे आपको म्यूजिक लगाना है तो अब वो अवेलेबिलिटी रहेगी कि आप वो लगा सकेंगे। ऐसा कहना है फेसबुक और सारेगामा के टाई अप के बाद ये पॉसिबल हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट का। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि रवीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज अ अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। तो फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रवीश कुमार जी को। और रवीश कुमार जी किसकी जगह लेंगे? रवीश कुमार जी लेंगे वाणी राव की जगह लेंगे। वाणी राव की जगह लेंगे रवीश कुमार जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने कुछ ही दिन पहले भी पढ़ा था कुछ और अम्बेसडर के बारे में भी कि पी कुमारन जी सिंगापुर में नियुक्त किए गए हैं और जावेद अशरफ जी फ्रांस में। आपको याद होगा जावेद अशरफ जी फ्रांस और पी कुमारन सिंगापुर, तो उनको भी रिकॉल कर लीजिए सो दैट एक ही जगह बार आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाए। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि जल्द ही हम वीकली सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसमें आपकी अच्छी रिविजन हो जाया करेगी। उसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर होंगे, मेरी वॉइस नहीं होगी। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है? साथ ही साथ उनके आंसर बताते वीडियो में होंगे। आप अगर नहीं आते तो उसका आंसर देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिए। तो फिनलैंड की बात आई है तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। पीएम कौन है? सना मरीन जी। करेंसी क्या है? यूरो। इन सब बातों का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली अपॉइंटमेंट की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है सुशील सिंघल जी की। सुशील सिंघल जी को अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर के रूप में पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया की जो कंट्री है उसमें अपॉइंट किया गया है एज अ हाई कमिश्नर सुशील सिंघल जी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये विजय कुमार जी को रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह पे हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त होंगे वहां पे। अब पापुआ न्यू गिनिया की बात आई है, पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबे और करेंसी है कीना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी गायत्री कुमार की। गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और इसको रिप्लेस ये किसको रिप्लेस करेंगी? रुचि घनश्याम जी को रिप्लेस करेंगी। रुचि घनश्याम जी को रिप्लेस करेंगी गायत्री कुमार यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर होंगी। अब यूके की बात आई है, यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूनाइटेड किंगडम है क्या? इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने मार्च की वीडियो के अंदर आपको ये समझाया था कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर होती हैं। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप डायग्राम को देखिए। डायग्राम के अंदर आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको एक तो दिखेगा नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरी देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को एक साथ मिला दीजिए तो बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ग्रेट ब्रिटेन कहाँ इन कंट्रीज को मिला के बना है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला के बना है ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर चार कंट्रीज होंगी मेनली, एक तो हो गया इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, चौथी तरह स्कॉटलैंड, चौथा नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन चार कंट्रीज से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम। याद रखिए कैपिटल लंदन है और ये इंग्लैंड की भी कैपिटल लंदन है, इन दोनों की कैपिटल सेम है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी सीपी जॉर्ज की। सीपी जॉर्ज जी को नियुक्त किया गया है कुवैत का एम्बेसडर, तो कुवैत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सीबी गौर जी को। के जीवा सागर जी को रिप्लेस करेंगे, के जीवा सागर जी को रिप्लेस करेंगे।
और बात आई है कुवैत की, तो कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी, करेंसी क्या है, दिनार। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है रोहित शर्मा जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है IIFL फाइनेंस का। तो IIFL फाइनेंस ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रोहित शर्मा जी को। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन भी हैं अभी, और सबसे अधिक बार आईपीएल जीतने वाली जो टीम है मुंबई इंडियंस उसके कैप्टन है। तो रोहित शर्मा जी को नियुक्त किया गया। और रोहित शर्मा जी इससे पहले और कौन कौन से ब्रांड के एम्बेसडर अनाउंस हो चुके हैं, क्रिक किंगडम हाल ही में अनाउंस हुए थे, लालीगा लास्ट ईयर अनाउंस हुए थे, नॉइस इसके भी हाल ही में अनाउंस हुए, तो नॉइस, क्रिक किंगडम, लालीगा और अब IIFL फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि अजय चौधरी जी जो है उनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है REC का। तो फाइनेंस डायरेक्टर नियुक्त किया गया है REC का। REC क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसके डायरेक्टर फाइनेंस नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है अजय चौधरी जी को। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है डॉक्टर आर चंद्रशेखरन की। डॉक्टर आर चंद्रशेखरन है जो, उनको पहला परमानेंट डायरेक्टर बनाया गया है CICT का। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का पहला प्रथम स्थायी निदेशक बनाया गया है डॉक्टर आर चंद्रशेखरन जी को। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगले सेक्शन है हमारा इम्पोर्टेंट डेज का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज है कि जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है उसको 3 जून को मनाया हमने, और इसको कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है प्रेजेंट के अंदर, अंटोनियो गटर्स। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे भी मनाते हैं, और न्यूयॉर्क यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं अगला सेक्शन है ओबिचरी का। ओबिचरी में पहला निधन हुआ है PM नामग्याल का। PM नामग्याल जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं, इनका निधन हो गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला निधन हुआ जिनका वो है जयंतीलाल ननोमा जी। तो जयंतीलाल ननोमा जी का निधन हुआ है, ये तीर अंदाजी कोच थे, आर्चरी कोच रह चुके हैं, राजस्थान से थे ये, और इन्होंने बहुत सारे मेडल जिताए हैं भारत को, इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज है जयंतीलाल ननोमा जी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारे इकोनॉमी का। इकोनॉमी के अंदर हमारी आज GDP प्रेडिक्शंस आया हूँ एक बार फिर आपके लिए, क्योंकि कल मूडी ने अपनी जो GDP प्रेडिक्शन है उसको रिवाइज कर दिया है। मूडी ने अपनी GDP प्रेडिक्शन पहले 0% बताई थी भारत के लिए, अब उसको रिवाइज करके -4% कर दिया है। मैंने बाकी भी सारी आपके सामने रखी हुई हैं, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम इसको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। सारी GDP प्रोडक्शन आपके लिए एक ही पेज पे रखता हूँ हर बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मूडी पे ध्यान दीजिएगा, चेंज हुई है, -4% है अब मूडी के अकॉर्डिंग भारत की GDP रहने का अनुमान है। और मूडी ने जो अपनी रेटिंग है, सोवरन रेटिंग बोलते हैं जो उसको, उसको BAA3 कर दिया है BAA2। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए होती है रेटिंग, और जो इसको सबसे नीचे स्तर पर कर दिया है BAA3, इसके नीचे बाद होता है ना, ये इसके बाद जो वो रेटिंग देता है मूडी, इससे नीचे स्तर की वो रिस्क वाली होती है, और तो ये डेंजरस से जस्ट ऊपर वाली रेटिंग है BAA3। इस बात का ध्यान रखिएगा, मूडी ने स्वर्ण रेटिंग है जो उसको BAA2 से चेंज करके BAA3 कर दिया है। और इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि फाइनेंशियल 1920 के लिए जो भारत की GDP ग्रोथ रेट रही है वो 4.2% रही है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत की GDP ग्रोथ रेट 2019-20 में 4.2% रही है। आगे बढ़ते हैं, और ये अनुमान नहीं है, ये रियल डाटा है, 4.2% का। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि लक्ष्मी विलास बैंक है जो, उसके MD CEO सुब्रमण्यम सुंदर जी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गई है, 6 महीने और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगली
अगला सेक्शन है रैंक का। रैंक के अंदर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसने भारत को 23वीं नंबर पे रखा है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। तो स्टार्टअप ब्लिंक नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिसने स्टार्टअप इकोसिस्टम पे एक रैंक जारी किया है वर्ल्ड में, जिसमें यूएस को पहले नंबर पे और भारत को 23वें नंबर पे रखा है, जबकि 2019 में भारत का स्थान 17वां था। तो ये पीछे धकेला गया है, पीछे डिमोशन हुई है भारत के इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2019 में 17वां था, अब अभी 23वां है, तो डिमोट हुआ है और यूएस ने टॉप किया है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब टाइम है रिवीजन का। रिवीजन का हमारा आज का क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स। तो जो रसायन विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये कौन है? आर के चतुर्वेदी जी। आर के चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया है रसायन विभाग के सचिव के रूप के अंदर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो पूरी होती है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, याद से चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सो दैट अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो बैंकिंग एग्जाम या SSC या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको लग रहा है कि GA को कैसे मैं हैंडल करूंगा, करंट अफेयर CA को कैसे हैंडल करूंगा, तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ से तैयारी करने की। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, मेरी पूरी कोशिश रहती है उनको अच्छे से आप तक करवाया जाए विद स्टैटिक। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए ताकि हम अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।